नागालैंड रे सेनागुड़ी रे 14 नागरिकों मृत्यु घटना को केंद्र सरकार को कड़ा समालोचना करी कांग्रेस एने कांग्रेस चारिजणिया प्रतिनिधि दल आज नागालैंड जबार कार्यक्रम रही गस्तर आसी प्रतिनिधि दल कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट देवे सेपटे घटना को नहीं नागालैंड एक छात्र संगठन आज डिसेंबर 13 तारीख पर्यंत बंद डाकरा देछि। अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा निर्धारित डेलीगेशन कल नागालैंड के लिए मून डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना होगा। हमारा संदेश साफ साफ है कि कांग्रेस की पार्टी नागालैंड के आवाम के साथ है, नागालैंड के लोगों के साथ है और नागालैंड के वे परिवार जिन्होंने अपने किसी बेटे या किसी भाई या किसी पिता को खोया है उन परिवारों को केंद्र सरकार उचित मुआवजा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। जल्द से जल्द उच्च स्तरीय की जो जांच SIT की जांच जो बैठाई गई है उस इस जांच का परिणाम लोगों के बीच लोगों के समक्ष जल्द से जल्द प्रकाशित होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और आज हम शांति और अमन और चैन की मांग को लेकर कल नागालैंड के लोगों से मिलने जा रहे हैं। सो वी वॉक्ड आउट इन प्रोटेस्ट एट द वेरी वेरी इनएडिक्वेट स्टेटमेंट। देयर आर अ नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स विद व्हाट द होम मिनिस्टर सेड एंड फेल्ड टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डिड दिस हैपन? सेकेंडली, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर डू वी हैव व्हेन सच अ फॉल्टी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन लीड टू द लॉस ऑफ सो मेनी इनोसेंट लाइव्स? थर्ड, Why was it necessary to fire without taking normal interrogative action? Was there enough evidence to base? See, normally the assumption is you fire when your own life is in danger or when there is something very serious that you're trying to prevent. Here you have a bunch of minors in a van. You couldn't have stopped them, detained them, questioned them. Why do you have to fire first? These are all questions for which no answers were given.